हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो आपको इतना कुछ आपकी हेल्प करने वाली है, आपकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट मैंने रखती है ये वीडियो। ठीक है फ्रेंड, चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, बताता हूँ जी क्या है मिस्ड कॉल अलर्ट। मिस्ड कॉल अलर्ट क्या होती है, जो किसी भी मेरे व्यूअर को नहीं पता है मिस्ड कॉल अलर्ट क्या चीज होती है। सबसे पहले तो मैं 30-35 सेकंड में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कैसे हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर एक्टिवेट हो गया डीएक्टिवेट हो गया तो क्या, मतलब पूरा प्रोसेस ये समझाने वाला हूँ आज की वीडियो पे। फ्रेंड, मिस्ड कॉल अलर्ट ये होती है, मतलब कई बार हमारा फोन आउट ऑफ रेंज हो जाता है, हम किसी ऐसी जगह पे आ चले जाते हैं जहाँ नेटवर्क कम आता है, नेटवर्क कई बार फोन छोड़ देता है, कई बार किस कंडीशन में ऐसा हो जाता है हमारा फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस हालात में क्या होता है, कई बार हमारे कोई इम्पोर्टेंट कॉल होते हैं, हो सकता है हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है हमारी किसी जॉब से, हमारे किसी अफसर का या किसी का भी कॉल आ रहा होगा, हमारी संस्था की तरफ से कई बार कॉल आ जाता है जो बहुत ही जरूरी होता है हमें, मतलब के रिसीव करना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा फोन बंद हो जाता है, आउट ऑफ रीच हो जाता है, तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता किसने हमें कॉल किया है किसी ने नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जरूरी होती है मतलब के पता होने कि किसने मुझे कॉल किया है किसने नहीं किया। तो कंपनी क्या करती है, एक सिम में मिस्ड कॉल अलर्ट का एक मैसेज भेज देती है, अभी आपने इसने आपको कॉल किया है, इतनी बार कॉल किया है। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, बाद में जब रेंज में आया तो आपके पास मैसेज आया था, मैसेज देके आप चेक कर सकते हो, अच्छा इसका कॉल आया था, तो आप उसको बैक कॉल कर सकते हो अगर आपको जरूरी लग रही इस पर्सन का से मेरी बात करनी बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है भी हमारे पास ये एक्टिवेट होता नहीं है, जिसके पास एक्टिवेट है तो गोल्डन, अगर जिसके पास एक्टिवेट नहीं है तो उसको आपने कैसे एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट क्यों नहीं है। जिसके पास तो काफी पुराने सिम है तो उसका एक्टिवेट नहीं होगा, जो नए सिम है एक इनवेल्ड ऑप्शन दिया गया होता है जिसके अंदर कंपनी ऑटोमेटिकली मतलब आपको मिस्ड कॉल अलर्ट का मैसेज भेज देती है। इसके लिए कोई सीक्रेट कोड नहीं है, कोई जू SSD कोड नहीं है, *555 हैश दबा दो। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पे ऐसा दिखाते हैं भी ऐसा कर लो आपकी अलर्ट हो जाएगी। कई कारण होते हैं फ्रेंड जिसकी वजह से एक्टिवेट होने के बाद डीएक्टिवेट हो जाती है। डीएक्टिवेट होने का एक मेजर रीजन ये रहता है फ्रेंड भी, कई बार हम कॉल फॉरवर्डिंग लगा देते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड को पता होगा भी कॉल फॉरवर्डिंग है क्या है, तो उसको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए अगर आपका मिस्ड कॉल अलर्ट नहीं चल रहा। उसको जैसे आप डीएक्टिवेट करोगे तो आपको ये मिस्ड कॉल अलर्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका एक्टिवेट नहीं होता तो आप कस्टमर केयर से बात कर दीजिए। हर किसी कंपनी अपना कस्टमर केयर नंबर रखा हुआ है, जैसे जियो का 198 है, ऐसी बाकी कंपनी ने अपना कस्टमर केयर नंबर दिया गया, तो उसको आप बताइए सर मेरा ये नहीं चल रहा, तो वहां से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस भी आपसे नहीं होता तो आप नियर केयर सेंटर पे जाके या किसी जियो स्टोर पे जाके इसको आप एक्टिवेट करवा सकते हो। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।